राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है। 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था, बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी। उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है। मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है, और मैंने कहा था आइए बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई, विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, ये हमारी ताकत है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है, और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।